सो हेलो गाइस, आज है एपिसोड नंबर 3। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट C++ के रिगार्डिंग। और हमने अभी तक हेलो कैसे प्रिंट करना है या कोई भी चीज़ प्रिंट करनी है वो देख लिया है। और आज हम बढ़ते हैं एक नई चीज़ की तरफ कि अगर हमें कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है, सपोज़ करो कोई किसी भी चीज़ का फॉर्मूला लगा के उसकी वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। तो जब भी आप डेव खोलोगे, मैंने पहले भी बताया था, तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी, एक ब्लैंक स्क्रीन। तो आपको नई सोर्स फाइल खोलने के लिए Ctrl+N दबाना है या फिर फाइल में जाकर न्यू और सोर्स फाइल पर क्लिक कर सकते हो। तो Ctrl+N पे जाएंगे तो हमारे पास एक नई स्क्रीन आ गई है। तो आवर प्रोग्राम टुडे इज़ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल। ओके, टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, हमें सबको पता है यार जो एरिया का फॉर्मूला होता है। जो भी लिखना आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, कमेंट्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो हमारे कोडिंग का पार्ट नहीं होते हैं, ये सिर्फ हमारी कन्वीनियंस के लिए, एक जो कोडर कोडिंग कर रहा होता है सिर्फ कोडिंग वाली स्क्रीन पे, जिस स्क्रीन को हम अभी देख रहे हैं सिर्फ उसी स्क्रीन के ऊपर हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए लिख सकते हैं, पर जो कंसोल विंडो है उसमें इसका कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई इंटू आर इंटू आर, मतलब पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रोग्राम बनाने से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं। वो ये करना चाहते हैं कि सपोज़ करो कि कोई ऐसी ऐप है जो कि मैथमेटिकल फॉर्मूलेज को यूज़ करके हमें एरिया जो है निकालने में हेल्प करती है। तो सपोज़ करो कोई आपने जो यूज़र है उसे कहा है कि आप इस ऐप को यूज़ करके बस आप इसके अंदर रेडियस टाइप करना और आपको ये ऑटोमेटिकली एरिया एज अ रिज़ल्ट देगा। तो हम एक प्रोग्राम की, जैसे कोई भी यूज़र, जैसे कि हम गूगल ऑपरेट करते हैं, कोई भी सर्च इंजन ऑपरेट करते हैं, एक्सेल ऑपरेट करते हैं, तो हमें उसकी कोडिंग को नहीं देखना पड़ता, हमें सिर्फ उसके फंक्शंस को यूज़ करना होता है। तो सपोज़ करो एज अ यूज़र आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो, तो वो तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्रोग्राम है वो क्या असेंशियल्स पूछने वाला है आपसे कैलकुलेट करने से पहले एरिया ऑफ अ सर्कल? सपोज़ एरिया ऑफ अ सर्कल की बात करें यहाँ पे हम, तो वो सबसे पहले तो पूछेगा आपसे कि आपको जो सर्कल का एरिया चाहिए उसका रेडियस कितना होना चाहिए। वो आपसे पूछेगा, वो आपसे इनपुट कराएगा ये चीज़ एज अ मतलब जो कंप्यूटर है। अभी भूल जाओ कि हम कोडिंग वाला जो सारी चीज़ है, अगर हम भूल जाएं और सिर्फ ये सोचें कि कंप्यूटर हमसे ये पूछ रहा है, जब हम एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं वो हमें सिर्फ रेडियस पूछेगा, हम रेडियस एंटर करेंगे और वो अपने आप एरिया निकाल के देगा। तो जब हम इसको फंक्शन एज अ फंक्शनिंग के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो हमसे क्या पूछेगा? कंप्यूटर या फिर C++ का या कोई भी ऐप है विल आस्क अ क्वेश्चन, क्या करेगी कि एंटर, या ये भी कह सकते हैं वो ऐप कहेगी हमें कि फर्स्ट एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो भी आपको एरिया निकालना है उसके लिए कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा ना सर्कल का, तो वो आपसे पूछेगा। तो फिर हम एंटर करेंगे इसे, सपोज करो आर, हम एंटर करते हैं आर, हमारे पास रेडियस है। तो फिर वो क्या लिखेगा नेक्स्ट स्टेप, कि फिर आपको डायरेक्ट एरिया कैलकुलेट करके देगा, द एरिया ऑफ सर्कल इज सपोज 10 टाइम्स पाई, मतलब पाए को भी साथ में मल्टीप्लाई कर देगा ऑब्वियसली। अभी मैंने यहाँ पे पाए का सिर्फ सिंबल मतलब लिखा है, तो वो 3.14 से मल्टीप्लाई करके देगा आपको आंसर में, तो वो हमें एरिया कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, तो तीन स्टेप्स वो हमसे, मतलब एक चीज़ वो हमसे पूछने वाला है और लास्ट में वो क्या प्रिंट कराने वाला है, एरिया ऑफ द सर्कल। तो ये हो गया कि एज अ यूज़र हमने इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ किया सिर्फ रेडियस टाइप करके एरिया निकालने में। मगर एज अ कोडर, मतलब कि अगर आप खुद कंप्यूटर होते तो आप यूज़र से क्या पूछते? हमने देख लिया कि हमें क्या पूछना चाहिए था यूज़र से और उसके लिए हमें पीछे कोडिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो आप वो चीज़ देखने वाले हैं। तो एज अ यूज़र भी आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि कोडिंग करने के लिए जो लॉजिक है वो क्लियर होना चाहिए। लॉजिक तभी क्लियर होगा जब आप खुद एज अ यूज़र बैठोगे और आप
आप सोचोगे कि मुझे वो क्या पूछेगा कंप्यूटर, फिर आप खुद कोडर बनोगे और वो चीज़ कोडिंग में लेके आओगे और फिर प्रोग्राम बनाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हाउ टू स्टार्ट एनी C++ प्रोग्राम, मैंने पहले भी बताया था, इंक्लूड IOStream। IOStream क्या है, बेसिकली स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स को इंक्लूड करती है, कुछ लाइब्रेरीज जैसे कि सीन जो कि इंक्लूड करती है, सीन सी आउट, मतलब जो भी हमें आउटपुट की जो लाइब्रेरीज हैं या फिर इनपुट की लाइब्रेरीज, तो वो इंक्लूड करती है IOStream। उसके बाद आता है यूजिंग नेम स्पेस, इसका भी ऑलमोस्ट वही काम होता है, यूजिंग नेम स्पेस STD। उसके बाद आता है हमारा मेन फंक्शन, मेन बॉडी फंक्शन, वो क्या होता है, इंट मेन, मतलब कि मेन बॉडी फंक्शन जिसके अंदर हम कोडिंग करने वाले हैं, जो हमें स्क्रीन पर एज आउटपुट दिखने वाला है, ठीक है। तो हम एक कर्ली ब्रैकेट से शुरुआत करते हैं। उसके बाद हमें सबसे पहला काम क्या करना है, वी हैव टू, सबसे पहले एज अ कोडर हमें उससे क्वेश्चन पूछना है कि एंटर द रेडियस। तो सपोज करो वो 20 या 20-30 कुछ भी वैल्यू लिखता है, तो वो वैल्यू किसके अंदर स्टोर होगी, वो वैल्यू के लिए हमें खुद से एक वेरिएबल जनरेट भी तो करना पड़ेगा। सपोज मैंने कोई आर वेरिएबल जनरेट किया है, तो जो यूज़र बैठा होगा कंप्यूटर के सामने, जो वो वैल्यू डालने वाला है 20, तो वो 20 वैल्यू कहाँ जाएगी, वो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी, और वो वेरिएबल कौन प्रोवाइड करेगा, वो कंप्यूटर खुद से प्रोवाइड करेगा, और कंप्यूटर की जगह कौन है, अब हम हैं एज अ कोडर। तो हमें क्या करना होगा, इंट भी नहीं लेते, चलो फ्लोट लेते हैं, फ्लोट आर, ठीक है। फ्लोट आर का क्या मतलब है कि एक ऐसा टाइप का वेरिएबल जिसका नाम है आर, स्मॉल आर, वो हमने डिफाइन कर दिया, जो कि फ्लोट टाइप का, फ्लोट मींस जो कि डेसिमल नंबर भी अपने अंदर जो है स्टोर कर सकता है। अब हो सकता है रेडियस 10.2 हो या 2.3 हो, ज़रूरी तो नहीं है कि रेडियस एक इंटीजर टाइप में ही हो, तो फ्लोट बेटर ऑप्शन है कि हमें अगर डेसिमल में भी एरिया चाहिए। तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो कंप्यूटर है वो पूछेगा कि टाइप द रेडियस और एंटर द रेडियस, तो उसके लिए वो हमसे सामने से पूछेगा। तो बेसिकली एज अ कोडर हमें ये चीज़ प्रिंट करानी है स्क्रीन के ऊपर। प्रिंट के लिए मैंने पहले भी बताया था सी आउट कमांड का यूज़ करते हैं, मतलब आउटपुट के लिए जो भी प्रिंट कराना है, सी आउट लिखने के बाद दो लेस देन का साइन और उसके बाद डबल कॉमास के अंदर वी विल राइट एंटर द रेडियस। तो ये चीज़ वो यूज़र से पूछ रहा है, उसके बाद सेमी कॉलन, ठीक है। तो ये चीज़ प्रिंट हो गई। अब होगा क्या, यूज़र कीपैड के ऊपर कोई भी नंबर टाइप करेगा, ठीक है। तो वो कमांड भी हमें इसके अंदर ऐड करनी है। तो उसके लिए सपोज़ करो कोई भी इनपुट जब जाती है कंप्यूटर को, सपोज़ 20 गई, 30 गई, 100 गई, जो इनपुट जाती है उसके लिए इनपुट का जो सिंटैक्स है वो हम कैसे लिखते हैं, सी इन, मतलब इनपुट वो लिखेगा ना खुद से। जो चीज़ हमें प्रिंट करानी है एज इट इज़, वो सी आउट, जो कि कंप्यूटर ने करना है काम, वो सी आउट एंटर द रेडियस। जो हम कर रहे हैं एज अ यूज़र जब कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, तो इनपुट क्या डालने वाले हैं हम, इनपुट डालने वाले हैं हम आर, जो कि मैंने अभी बताया था कि वो कोई भी वैल्यू डालने वाले हैं, और किसके अंदर स्टोर होने वाली है, वो आर वेरिएबल, तभी तो लिया था वो वेरिएबल, तो सी इन आर वो टाइप करने वाला है। तो सी इन का सिंटैक्स देख लो, CIN उसके बाद दो ग्रेटर देन के साइन, देन आर उसके बाद सेमीकॉलन, ठीक है। तो ये थी रेडियस, हमने पूछ लिया, यूज़र ने रेडियस एंटर कर दिया, तो ये वो जो रेडियस है वो आर के अंदर स्टोर हो गया है। अब क्या करना है, लेकिन कंप्यूटर को ये तो नहीं पता है कि जो एरिया ऑफ अ सर्कल है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो अब ये भी बताना पड़ेगा। तो सपोज करो एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर है, अब पाई आर स्क्वायर को एज इट इज़ ना यूज़ करके मैं एक और वेरिएबल जो है इंसर्ट करती हूँ फ्लोट आर के साथ कॉमा लगा कर, जो कि है AR नाम का वेरिएबल, बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द एरिया। आप चाहो तो कोई भी और वेरिएबल अपने हिसाब से किसी भी नाम का दे सकते हो, ठीक है। तो एरिया नाम का वेरिएबल है, और अब हम क्या करने वाले हैं, AR, अब हम कंप्यूटर को बेसिकली फॉर्मूला बता रहे हैं कि जिसके अंदर वो पुट करके आंसर निकालेगा। तो AR का फॉर्मूला क्या होता है, पाई, अब पाई आर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर ना लिखे हम आर इंटू आर कर देते हैं यहाँ पे, लेकिन क्योंकि अभी हमने पावर फंक्शन नहीं सीखा है तो हम अभी डायरेक्टली आर इंटू आर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाई की वैल्यू तो बताई नहीं, तो पाई की वैल्यू नहीं बताई है, तो हम एक और काम कर सकते हैं, इधर आप 3.14, मैं आपको करके बताती हूँ, 3.14 स्टार आर, ठीक है, ये कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम पहले ये कर रहे हैं,
तो ये करने के बाद एरिया का फॉर्मूला हमने दे दिया है, उसके बाद क्या करना है, सी आउट. अब वो क्या करेगा, अब वो कैलकुलेट कर चुका होगा, तो अब क्या कहेगा, वो ये कहेगा सी आउट एरिया, ये वो चीज़ प्रिंट कराएगा. मतलब ये एज इट इज़ जो भी इन्वर्टेड कॉमर्स में होती है वो एज इट इज़ स्क्रीन पर दिखाई देगी. वो लिखेगा एरिया ऑफ, वो कौन, कोडर या फिर कंप्यूटर, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू, ये होने के बाद वो सी आउट वाली लाइन को कंटिन्यू करता हुआ वो लिखेगा ए आर. बेसिकली जो भी एरिया की वैल्यू थी वो ए आर में तो स्टोर होगी, 3.14 इंटू आर इंटू आर. तो आप दो लेस देन की साइन डाल के सी आउट वाली लाइन में ही लिखोगे ए आर. सी आउट मीन्स प्रिंट कराना, ठीक है, आउटपुट देना, यूजर को आउटपुट देना. तो वो किसकी फॉर्म में, ए आर ही, तो ए आर में ही तो स्टोर हुई होगी एरिया की वैल्यू. तो दो लेस देन के साइन देन ए आर, ठीक है, और वो साथ में ये वैल्यू लिखेगा देन सेमी कॉलन. उसके बाद हमारा प्रोग्राम यहाँ एंड होता है, और एंड होने के लिए हमें डालना पड़ता है रिटर्न ज़ीरो. ठीक है, हमें कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करानी है इस मेन फंक्शन के लिए. तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ और हमें अब एग्जीक्यूट करना है, कंपाइलर रन पे जाना है. ठीक है, तो ये हम कर देते हैं एरिया ऑफ अ सर्कल के नाम से सेव, किसी भी फोल्डर में आप कर सकते हो. तो मैंने एक C++ के नाम से ही फोल्डर बनाया है, तो मैं उसमें सेव कर रही हूँ. तो अभी देखिए एक एरर आया है, वो एरर क्या है, एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर सी आउट. तो याद रखना है कि लाइन 14 में जब हमने एरिया का फॉर्मूला लिखा तो हम उसके बाद लाइन को एंड करना होता हर एक लाइन को सेमी कॉलन के साथ. तो अच्छा है ये मिस्टेक का भी पता चल गया, ताकि हम अपने एरर्स को रेक्टिफाई कर सकें. तो हमसे पूछेगा पहले व्हाट इज़ द एरिया ऑफ, व्हाट इज़ द रेडियस. तो सपोज करो कि हम रेडियस को लेते हैं 10, ठीक है, तो आंसर देगा एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 314, बिकॉज 3.14 इंटू में 10 इंटू में 10, तो वो 100 हो गया और वो आंसर देगा 314. तो गाइज दिस इज हाउ वी एग्जीक्यूटेड. तो आप देख लो कंसोल विंडो पर एरिया, एंटर द रेडियस, उसने हमसे पूछा, जो कि हम पहले लॉजिक लगा के देख रहे थे कि कैसे होने वाला है ये प्रोग्राम. फिर उसने एरिया ऑफ अ सर्कल को एज इट इज़ कैलकुलेट करके हमारे सामने रखा. ठीक है, अब गाइज यहाँ पे मैं 3.14 की जगह एक काम और कर सकती थी. सपोज करो PI नाम का एक मैं वेरिएबल जनरेट करती अगर फ्लोट के अंदर, ठीक है, फ्लोट के अंदर PI नाम का एक मैंने वेरिएबल जनरेट किया है, और मैंने लिखा है कि PI की जो वैल्यू है वो मैं ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना चाहती हूँ. तो मैं लिख दूँ PI, जैसे हमने एरिया का फॉर्मूला खुद से कंप्यूटर को बताया था, ऐसे पाई की जो वैल्यू है वो हम कंप्यूटर को दे सकते हैं, ठीक है, सेमी कॉलन. तो वो पाई अगर हम डायरेक्ट एज अ वेरिएबल भी रखेंगे तो भी आंसर हमें सेम ही मिलने वाला है. तो आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं किया हमने, कंपाइल एंड रन, राइट द रेडियस 10 एंड नाउ ऑल्सो द एरिया कम्स आउट टू बी 314. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल और एनी शेप. ठीक है, सपोज करो हमें स्क्वायर का करना है, तो हमें फ्लोट में वेरिएबल क्या क्या चाहिए होंगे, एक साइड चाहिए होता है, तभी स्क्वायर का जो एरिया वो एस स्क्वायर होता है, मतलब एस इंटू में एस. तो एरिया इज इक्वल टू एस स्टार एस या फिर एस मल्टीप्लाई बाय एस, आप ऐसे कर सकते हो. और फिर एरिया ऑफ द सर्कल को स्टोर, जब आपने फॉर्मूला लिख दिया है और इसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई और पाए जैसा वेरिएबल हमें स्टोर कराना है, तो डायरेक्ट आप सी आउट में एरिया लिख सकते हो. जैसे स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल हो सकता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो सकता है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और कंसेप्ट भी समझ में आया. अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया तो प्लीज़ यार इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और C++ को सीखने का फ़ायदा उठाएँ, और आप जल्द ही एक अच्छे कोडर बन जाएंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं. गुड बाय.